सिद्धू मूसेवाला केस से एक बड़ी खबर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब जेल से किए हैं कई खुलासे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में एक नया और बेहद दिलचस्प अपडेट आया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब जेल से इंटरव्यू दिया है, जिसमें मौत से जुड़े कई कच्चे चिट्ठे खोले गए हैं। लॉरेंस ने खुलासा किया है कि हत्या में उसकी कोई साझेदारी नहीं थी और वह गोल्डी बड़ार था जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। एक इंटरव्यू में जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े कई बातों का खुलासा किया है। उसने कहा कि मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग एक साल से चल रही थी। बिश्नोई ने कहा कि गोल्डी बड़ार हत्याकांड में शामिल था और उसे साजिश के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसका इसमें हाथ नहीं था। उसने कहा कि चूंकि सिद्धू अपने विरोधी गिरोह को मजबूत कर रहा था, इसलिए उसने गोल्डी से कहा कि वह एक दुश्मन है। उसने आगे कहा कि सिद्धू की गोली लगने के बाद उन्हें रात में कनाडा से एक दोस्त का फोन आया। बिश्नोई ने खुलासा किया कि सिद्धू लॉरेंस के गिरोह के बेहद करीबी विक्की मिद्धू खेरा को मारने वाले लोगों को बचा रहे थे। उसने आरोप लगाया कि दिवंगत सिंगर डॉन बनना चाहते थे और इसे साबित करने के लिए उन्होंने मिद्धू खेरा की हत्या कर दी। अंत में लॉरेंस ने खुलासा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार उत्तर प्रदेश से खरीदे गए थे। अंत में लॉरेंस ने यह भी खुलासा किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार उत्तर प्रदेश से खरीदे गए थे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में लॉरेंस ने यह भी कहा कि उसका हमारे भाई की हत्या कराने में हाथ था। गुरुलाल को, विक्की को हमारा उसकी फैमिली से नहीं, उसके साथ मतभेद है। उसने मारा तो रिएक्शन में हमारे भाइयों ने मार दिया होगा। हमारा उनके पिता के साथ कुछ भी नहीं है। लॉरेंस ने यह भी कहा है कि बलकौर सिंह को इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वह बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, बेटा मर गया, उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के केस में 50 लोगों को डाल दिया गया है। अगर ये केस CBI के पास चला जाए तो इसमें 10 लोग भी नहीं रह पाएंगे। 1800 पन्ने की चार्ज शीट बना दी गई। CBI जांच हो तो अधिकतर लोग वहां से छूट जाएंगे। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना पंजाब सरकार के उनकी सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद हुई थी। फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बौछार को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो शेयर, लाइक एंड कमेंट करें।